जल्दी 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 लगाओ यार। सुनो सबसे पहले नमस्कार और नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं दर्शकों को, और आप सबको भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नए साल में हम लोग जो है फिल्म मैं तेरा लाडला का एक सॉन्ग बचा हुआ था जो आज यहाँ पे शूट कर रहे हैं बॉम्बे में, और ये हम लोगों का प्लानिंग भी था कि एक दो सॉन्ग बॉम्बे में करेंगे, तो आज उसका हम लोग शूट कर रहे हैं। जी, दोनों दो खूबसूरत चेहरे आपके साथ नज़र आ रहे हैं जी, कुछ कहना चाहते हैं इनके बारे में? देखिए, ऑलरेडी फिल्म में आपने देखा होगा रानी जी भी हैं और सोनालिका मैम भी स्पेशल सॉन्ग कर रही हैं इस पिक्चर में, और मैम लीड कर रही हैं ऑलरेडी, तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है हम दो सीनियर एक्ट्रेस के साथ काम कर रहे हैं जी। मणि जी, आप क्या कहना चाहती हैं, क्या अनुभव था? नमस्ते सभी को। विजय जी के साथ पहला काम है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं लगता कि न्यू कमर है, बहुत मतलब अच्छे से ही काम कर रहे हैं, अच्छा लगा मुझे उनके साथ काम करके। जी सोनालिका जी, आप बताइए, आप पहली बार काम कर रहे हैं। जी, सबसे पहले आप सभी दर्शकों को वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। और एक्चुअली मैं शॉर्ट देने के लिए जा ही रही थी, आप लोगों ने मुझे रोक लिया। इनके साथ काइंड ऑफ इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, और मेरे लाइफ का भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी स्पेशल सॉन्ग रहेगा फिल्म मैं तेरा लाडला। और आई गेस मेरा और मणि का कोई थोड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पक्का है, जो हमने दो फिल्मों में साथ में काम किया और बहुत ही अच्छा रहा। हाँ, और अभी मैं तेरा लाडला स्पेशल अपीयरेंस कर रही हूँ वाया द सर्फ फिल्म, और बहुत अच्छा लगा। अभी तो इनके साथ मैं करूंगी काम, तो फिर बाद में रिवर्ट करूंगी। विजय, क्या प्लान है मां तेरा लाडला के बारे में, कब तक आ जाएगी? मैं तेरा लाडला हम लोग होली पे रिलीज करेंगे सर, होली की प्लानिंग है, क्योंकि अभी ये गाना कंप्लीट शूट कर लिया है पोस्ट प्रोडक्शन करके, फिर हम लोग होली में पूरा प्लानिंग है कि होली में हम रिलीज करेंगे पिक्चर को। जी, किरदार क्या है मणि जी आपका फिल्म में? यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मेरा, मैं यहाँ पे एक जर्नलिस्ट बनी हूँ, और हाँ, आप सबका प्रोफेशन मैं चूज कर लिया इस मूवी में। मेरा भी बहुत अच्छा लगा काम करके, और इसके जो स्टोरी मतलब मैं तेरा लाडला तो मतलब बच्चे माँ का ही होते हैं, तो इसमें माँ के साथ बच्चे का जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वो इसमें फरमाया गया है, बहुत अच्छा स्टोरी है। जी, पहली बार विजय कुमार बतौर हीरो बतौर लीड एक्टर आए हैं, इससे पहले उन्होंने बब्बर की थी, कितना पोटेंशियल आपको नजर आया, क्योंकि आपने सारे बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया है, इस नए लड़के में कितना पोटेंशियल नजर आता? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनमें मतलब उनमें सीखने का एक दम है, मतलब मुझे ये करना है, तो डेफिनेटली कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम एक सीनियर एक्ट्रेस के साथ काम करते हैं, और कोई चीज़ हमें हमेशा एक सीनियर से हम सीखते ही हैं, तो बहुत कुछ सीखना है मुझे अभी तो मैंने एक शुरुआत किया है जीरो से, और मैम से बहुत कुछ सीखा है मैंने, और आगे भी सीखते रहेंगे सारे लोगों से। ही इज अ गुड लर्नर, इनफैक्ट ये कहना चाह रहे कि ऑल एंड ऑल ही इज अ गुड लर्नर। जी अच्छा विजय, ये तो बहुत